नमस्कार, जय हिंद। आप सब देखना शुरू कर दिए हैं दूरसंचार न्यूज। दोस्तों, ये बिहार है और बिहार में आए दिन बिहार के जो युवा हैं नए नए कार्य करके दिखा रहे हैं अपने। यहाँ पे हम लोग मौजूद हैं बरौली में, और बरौली में छात्रों ने एक ऐसा पंडाल बनाया है माँ सरस्वती के पूजा के लिए, जिसको लोग यहाँ पर देख कर सभी लोग हैरान हैं। और आप लोग इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ये दिल्ली का इंडिया गेट है, और ये हूबहू वैसा ही है और देख कर काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। आइए, यहाँ पर मौजूद है बहुत सारे लोग और इन लोगों से हम लोग बात करते हैं, और जो पंडाल को बनाए हैं वो लोग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और इन लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि वो लोग किस प्रकार से बनाए हैं और कैसे उनको आइडिया आया कि इस पंडाल को हम लोग बनाए। जी देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। जी भाई, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुनील पासवान है। जी, तो कैसे आइडिया आया कि ये माँ सरस्वती के जो पूजा होता है उसके पंडाल के रूप में इस इंडिया गेट को बनाया जाए? सबसे पहले नमस्कार, प्रणाम, आपका स्वागत है, अभिनंदन करते हैं हम लोग। जी, हम हिंदी बोलना नहीं चाहेंगे, कोई बात नहीं, भोजपुरी बोलेंगे। जी जी, मतलब हर साल के बाद हमने मनावत नहीं सरस्वती पूजा। जी, मैंने इस साल 26 जनवरी सरस्वती पूजा एक दिन पर पड़ल। हाँ, हाँ, तो कुछ अलग करके दिखाओ जाए। तब एक पहले तो छोट मोट हमने पूजा करते रहनी सन। हाँ, हाँ, तो हमने के सोचनी सन अपना कमेटी में, मतलब राय लेनी सन कि 26 जनवरी बाद सरस्वती पूजा बा, इंडिया गेट राष्ट्रीयता चीज बा, थोड़ा बनावल जाओ आ एपर कलर तिरंगा कलर चढ़ावल जाओ 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर। तो बस ये हमने के राय है कि थोड़ा दिखावल जाओ आ भारत के थोड़ा इन जागरूकता कर जाओ राष्ट्रीय चीज के। बस देखिए, आए दिन ऐसा काम हो रहा है और युवाओं का प्रयास है कि हम लोग का जो बिहार है और जो भारत है वो आगे बढ़े। आइए, हमारे साथ और लोग जुड़े हैं, इन लोगों से हम लोग बात करते हैं और प्रयास करते हैं जानने का। जी भाई, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अरुण कुमार पासवान है। सबसे पहले आपका नमस्कार इस आने के लिए यहाँ पे। धन्यवाद। हाँ, कैसे आइडिया आया कि इस तरीके का पंडाल इसमें बनाया जाए? हम लोग दशहरे के मेले में गए लोग बुर्ज खलीफा देखने। जी, फिर हम लोग को माइंड में आया ये कि हम लोग इससे बढ़िया भी बना सकते हैं कुछ। जी जी, इंडिया गेट का प्लान दशहरे में हम लोग का बना कि इंडिया गेट बनाने का है, तो इससे अच्छा हम लोग ये बनाने की कोशिश की है और बना के सफलतापूर्वक दे दिए। देखिए, इनका कहना है कि ये लोग गोपालगंज में गए थे जो दशहरा का मेला था, वहाँ पर एक शिक्षक ने बुर्ज खलीफा पंडाल बनाया था माँ दुर्गा के पूजा के लिए, और कहना है कि वहीं से वो आइडिया आया था और वहीं से हम लोगों के मन में आया कि हम लोग भी जब सरस्वती पूजा पड़ेगा तो वहाँ पर इस तरीके के पंडाल को बनाया जाएगा। अगर बात करें इस पंडाल को बनाने में समय क्या था, कितना समय लगा है? हम लोग कम से कम 2.5 महीने से इसमें काम कर रहे हैं अंदर फोम कटिंग का। जी जी, और पंडाल का कम से कम लगभग 1 महीना। हाँ, 1 महीने से चालू कर दिए काम करने के लिए। और आप लोग देख सकते हैं इस तस्वीर में कि ये पंडाल है और इसको तिरंगा के रूप में दिया गया, हालांकि जो असल में जो इंडिया गेट है उसका कलर कुछ अलग है, लेकिन यहाँ पर इसका कलर देने का कारण क्या है कि आप लोग भारत का जो ये एक ही दिन पर दो चीज़ पड़ गया है? जी, 26 जनवरी और बसंत पंचमी, इसके लिए हम लोग दो एक ही दोनों कर दिए के रूप में भी और तिरंगे के भी रूप में। जी जी, देखिए हम लोग बात करें इसमें खर्चा की, तो कितना लागत लग चुका है अभी तक? इसमें खर्चा पूरा टोटल मैं बता रहा हूँ, टोटल 55+ आ गया है। 55,000? हाँ, 55+ में है अभी। अच्छा, पूरा फाइनल हो गया है कि अभी नहीं, अभी काम चल रहा है, बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। हाँ, 55+ में है अभी खर्चा। अच्छा, देखिए अभी तक 55,000 रुपया लग चुका है, लेकिन अभी काम चल रहा है, हालांकि आगे भी लग सकता है। तो 55,000 के लागत से ये इंडिया गेट बना है जो कि गोपालगंज जिला के बरौली में स्थित है, और आप सब देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग पहुँचे हुए हैं और तमाम लोग हैं, सभी लोग से हम लोग बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि वो लोग का ये जो है इंडिया गेट जो बरौली में बना है कैसा लग रहा है। जी भाई, क्या नाम है आपका? रजनीश कुमार। कैसा लग रहा है ये पंडाल? देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग साथ दिए बनाने के लिए इसको। अभी उसमें है। देखिए, हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति जुड़े हैं जो कि इसके मास्टरमाइंड है, इन्हीं के दिमाग में आइडिया आया और किस तरीका से कहाँ क्या लगना चाहिए सभी इन्हीं का आइडिया है। सुनील कुमार। सुनील, तो देखिए इनका सुनील कुमार नाम है और इनसे हम लोग पहले भी बात किए हैं, लेकिन फिर जानते हैं कहाँ से सीखे हैं आप ये सब कलाकारी? आज हम जो कुछ भी है अपने गुरु के बदौलत है। हमारे गुरु का नाम प्रकाश जायसवाल है। प्रकाश जायसवाल? हाँ, प्रकाश फूल भंडार का नाम से दुकान। अच्छा, है। हाँ, हाँ, हाँ। आज जो कुछ भी किया है सब उन्हीं के बदौलत है। जी, आदमी उन्हीं के बदौलत सब कुछ किया है। अच्छा, बस यही सब। कितना दिन से आप काम कर रहे हैं ये सब? हम लमसम 1.5 महीना पहले से फोम कटिंग कर रहे थे लोग। अच्छा, 15 तारीख से पंडाल में काम लगा है। 15 तारीख से पंडाल में काम लगा जो कि आज इतना तक हो गया है। आज रात भर में पूरा कंप्लीट कर देंगे लोग, बहुत काम बाकी अभी अंदर। अच्छा, हमारे साथ बहुत मतलब बहुत मेहनत किए हैं, बहुत मदद किए हैं मुमताज भाई। जी, इन्हीं का भी बहुत योगदान है, बहुत योगदान। क्या कहना चाहिए, कैसा लग रहा है आपने जो मेहनत किया? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जो मेहनत किया है वो मेहनत आपको दिख रहा है यहाँ पे इंडिया गेट के रूप में, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं कि हमारे, देखिए यहाँ पे आंटी है, इनसे बात करते हैं। जी आंटी, क्या नाम है आपका? गायत्री देवी। कैसा लग रहा है पंडाल, क्योंकि ये जो इंडिया गेट है दिल्ली में स्थित है लेकिन आज हम लोगों के बरौली में भी बना है, तो कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है। क्या कहना चाहिए कलाकारों के लिए? कलाकार के लिए धन्यवाद।
ठीक। देखिए ये चाची हैं और काफ़ी खुश हैं, इनके चेहरे पर मुस्कान है। और यहाँ पे देखिए जो है कलाकार है, और कलाकार कहीं बाहर से नहीं आए, लो ये यहीं स्थानीय निवासी हैं। हर कलर का है सब, हर का है लो। देखिए ये लोग स्थानीय निवासी हैं। यहाँ पे देखिए एक अंकल जी हैं, इनसे बात करते हैं। जी कैसा लग रहा है पंडाल आपको? पंडाल तो अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? उमा शंकर माझी। कहाँ पड़ेगा घर आपका? घर बरौड़ी पड़ेगा। अच्छा, हमारा ही लड़का था। अच्छा, वो लड़के का मैंने ये उसका सहयोग था जो हम ये इंडिया गेट बनाएंगे। देखिए हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं, काहे बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं जो अपने बच्चों को कलाकारी में, जैसे कि बिहार में देखिए अनेकों प्रकार की कला हैं, और बच्चे में सक्षम होता है, बच्चे जो होता है वो सक्षम होता है करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार साथ नहीं देता है। तो आपने उस लड़का को साथ दिया। हाँ। कैसे ये सब चीज़ें हुआ? कैसे हुआ, पहले से प्रोग्रेस कर रहा था जी, सोच रहा था जो हम ये इंडिया गेट बनाएंगे जी जी, तो ये सरस्वती के पूजा के मौसम पर अवसर पर ये कार्यक्रम किया है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा लग रहा है, यही हम लोगों का। मतलब खुश है ना आप अपने बच्चे के कलाकारी से? खुश है। देखिए ये खुश है, ये एक पिता है और ये काफी खुश है। ये अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं और इस पंडाल को देखते हैं कि ये पंडाल बना कैसा है। जी एक चीज और बताना चाहते हैं कि कल हम लोग झंडा तोलन का आयोजन किए हैं 9 बजे। थोड़ा आप अपने तरीके से जागरूक किए लोगों के, पहुँचे लोग जी, थोड़ा भीड़ जमा हो, आओ अपने राष्ट्रध्वज को एक बार सलाम जरूर करें। जय हिंद जय भारत। देखिए इनका कहना है कि कल 26 जनवरी है और 26 जनवरी के अवसर पे यहाँ पे झंडा तोलन रखा गया है इंडिया गेट के सामने, और ये बरौली में स्थित है। तो यहाँ पे आप लोग काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे और इसमें इस समारोह में शामिल होके, और यहाँ पे जितने कलाकार हैं सभी लोगों के सभी लोग पहुँचे और इन लोगों को सराहना करें कि इन लोगों का कार्य कैसा है। और आप लोग एक कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि ये आपको पंडाल कैसा लगा, ये लोगों का कलाकारी कैसा लगा। आइए आप सबको पंडाल दिखाते हैं कि पंडाल कैसा है। देख सकते हैं कि ये जो पंडाल है काफ़ी बेहतरीन तरीके से बनाया गया है और काफ़ी मेहनत लगा होगा। आइए हम लोग इनके मदद से जानते हैं कि यहाँ पे जो चीज़ें हुआ है कैसे हुआ है, कितना समय है, और जो ये मटेरियल है उसमें क्या चीज़ यूज़ किया गया है। जी इसमें रेडियम कलर आता है, हम लोग सोचे कि थोड़ा रात को लाइट मारा जाएगा तो लाइट मारेगा तिरंगा कलर, और वैसे भी हम लोग सोचे कि जब तिरंगा कलर लगा ही रहे हैं तो थोड़ा ऐसा चीज़ लगाएं कि थोड़ा लाइट मारे, अच्छा दिखे। तो ये रेडियम कलर है, इसमें फेविकोल मिलाकर मतलब इसे घोर के। तो इसमें ये जो है ये क्या है? ये फोम है, थर्मोकोल, टोटल थर्मोकोल जी। तो ये पंडाल जो है टोटल थर्मोकोल से बना है और इसको तिरंगा कलर से कलर किया गया है जो कि रेडियम में है, और लाइट पड़ने पर ये और भी प्रकाश को बाहर निकालता है। आइए हम लोग देखिए ऊपर का ये जो गेट है काफ़ी बेहतरीन है। अभी इसमें कुछ काम बचा है, काम चल रहा है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं वो काम में लगे हुए हैं। आइए आप सबको हम अंदर लेकर आते हैं, और देखिए यहाँ पे अंदर का जो ये है माहौल है काफ़ी बेहतरीन है, और ये पंडाल माँ सरस्वती पूजा के लिए बनाया गया है, उनकी पूजा अर्चना के लिए बनाया गया है। सभी लोग छात्र हैं, सभी लोग पढ़ाई करते हैं, छात्रों का समूह जो मिलकर इस प्रकार के पंडाल का अंजाम दिया गया है। देखिए इसमें अभी इधर कारीगरी चल रहा है, ये भाई साहब कारीगरी कर रहे हैं, कुछ काटे हैं फोम का। आइए हम लोग इनसे बात करते हैं। जी भाई क्या नाम हुआ आपका? नमस्कार, जुल्फकार अली। आप सब ये क्या कर रहे हैं? अभी इसका जो थर्मोकोल का डिजाइन काटा गया है वो लग रहा है। अच्छा, तो ये डिजाइन किया कौन है सब? सुनील कुमार। सुनील यही है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचिए, पूजा में शामिल होइए, और आइएगा तो प्रसाद खाकर जरूर जाइएगा। देखिए देखिए यहाँ पे वो जो महापुरुष हैं उन लोगों का पिक्चर्स लगाया गया है, भीमराव अंबेडकर हो गए, बहुत सारे लोगों का पिक्चर लगाया गया है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी पिक्चर लगाया गया है। तो देखिए यहाँ पे सभी महापुरुषों का पिक्चर लगा है। उसी के साथ साथ हमारे बरौली के एक एनएसजी कमांडो थे जो कि लद्दाख में बर्फबारी के दौरान शहीद हो गए थे, उनके भी सम्मान में यहाँ पर उनका भी एक फोटो तस्वीर लगाया गया है, काफ़ी सराहनीय है यहाँ के युवा के लिए। जी भाई क्या कहना चाहिएगा कि जो यहाँ पे जो तस्वीर लगा है इनके बारे में? हाल ही में जो घटना हुआ हमारे बरौली में, दीपक सिंह जो नहीं रहे शहीद हो गए, तो हम लोग सोचे कि थोड़ा इनके बारे में कुछ करें, थोड़ा इनका भावपूर्ण श्रद्धांजलि इसी प्रकार दें कि लोगों को जरूर करें कि हाँ हमारे बरौली में भी चाहे और सारे लोगों में अंदर थोड़ा जागरूक होकर कि हम लोग एनएसजी कमांडो तो क्या मतलब उस लेवल तक पहुँचे। जी जी जी, बस यही हमारा सोच था कि हम इनको भी थोड़ा इसमें शामिल करें। देखिए इनका सोच जो है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन है। एनएसजी कमांडो का जो शहीद हो गए हम लोग बरौली के दीपक सिंह, उनका भी पिक्चर लगाया गया है, और ये जो काम है अभी चल रहा है बहुत ही सराहनीय काम है। और देखिए यहाँ पे इन लोगों का जो मेहनत है काफ़ी अच्छा है। आप लोग जरूर पहुँचिए यहाँ पर, और सभी लोग यहाँ पहुँचिए और देखिए पंडाल कैसा है। कल झंडा तोलन होने वाला है, मैंने आप सबको पूरा वीडियो दिखाया कैसा है, किस तरीके से है, कैसे बना है। तो आइए वीडियो आप सबको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा इस वीडियो में। हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक से। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय बिहार।